प्रिय मित्रों एवं श्रोतागण, मेरी हार्दिक शुभकामना, आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मेरी स्वस्थ यही प्रार्थना है। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस प्यार स्नेह के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप लोग इसी प्रकार से मेरे प्रोग्राम को देखते रहिए, मेरा विचार मुझसे अपना विचार प्रकट करते रहिए। मेरा भी प्रयास है कि अपने छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली का ज्ञान प्राप्त करूँ। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु मंगल ग्रह की युक्ति का क्या संबंध है प्रत्येक राशियों से, क्या लाभ देता है, क्या हानि? जिसकी कुंडली में मेष राशि में गुरु मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं, हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं, कर्मठ होते हैं, जीवन के कुशल खिलाड़ी होते हैं। जिसके कुंडली में वृषभ राशि में गुरु मंगल की युक्ति बैठा हो, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। ऐसे लोग स्थिर दिमाग नहीं रहता है, बुद्धि चलायवान रहती है, जीवन में कभी इच्छा सा सफलता नहीं प्राप्त करता। जिसके कुंडली में मिथुन राशि में गुरु मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग सामाजिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, उदार होते हैं, भावुक होते हैं, दयालु होते हैं। जिसके कुंडली में कर्क राशि का मंगल गुरु हो, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, ऐसे लोग स्वयं निर्माणकर्ता होते हैं, परंतु जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं और नशा पानी के आदि होते हैं। जिसके कुंडली में सिंह राशि का गुरु मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग जीवन में पूर्ण शिक्षित होते हैं, पूर्ण विद्या पाते हैं, ऐसे लोग न्यायाधीश बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, ऐसे लोग संगीतकार और लेखक बनते हैं। जिसके कुंडली में कन्या राशि का गुरु मंगल बैठा हुआ, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, चरित्र खराब नहीं होता, कभी जेल नहीं जाते, कभी कोई केस मुकदमा नहीं आते। जिसके कुंडली में तुला राशि का गुरु मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन सुखदायी नहीं होता है, ऐसे लोग की इच्छानुसार शादी नहीं होता है, शादियों में रुकावट आती है। जिसके कुंडली में वृश्चिक राशि का मंगल गुरु बैठा हो, ऐसे लोग मानसिक पीड़ित रहते हैं, हड्डी के रोग से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग अधिक इच्छाएं रखते हैं और जीवन में इनकी इच्छा पूरी नहीं होती है। जिसके कुंडली में धनु राशि का गुरु मंगल बैठा हो, ऐसे लोग राजनीति में सफलता पाते हैं, ऐसे लोग संसद विधायक बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। जिसके कुंडली में मकर राशि का गुरु मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं, मेहनती होते हैं, व्यापार के द्वारा धन कमाते हैं, ऐसे लोग गल्ला मशीन ट्रेडिंग टाइप के व्यापार से अच्छी उन्नति करते हैं। जिसके कुंडली में कुंभ राशि का गुरु मंगल हो, ऐसे लोग गुप्त धन पाते हैं, कम परिश्रम में अच्छी उन्नति करते हैं और सोचे हुए अधिकांश कार्य को पूरा कर लेते हैं। जिसके कुंडली में मीन राशि या गुरु मंगल का बैठा हो, ऐसे लोग चौथेपन अच्छे जाते हैं, ऐसे लोग धार्मिक कार्य करते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं, ऐसे लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, जीवन में ऐसे लोग अपनी अधिकांश इच्छाओं को पूरी कर लेते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपनी कुंडली का मुझसे विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम को का पालन करेंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। आप लोगों के सहयोग के लिए मैं फ़ोन नंबर बोल रहा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इतना करते प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।